नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जगरूप नैन गांव दणोदा। आपने देखा पीछे भी हमारे गांव से बिनायण खाप का ऐतिहासिक गांव दणोदा कला और खुर्द से ये जो आंदोलन चला हुआ है किसानों का अपने तीन मांगों को लेकर है, उसमें सहयोग और आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए हमारे गांव से पहले भी ट्रैक्टर ट्राली का जत्था गया हुआ है और आज भी देखिए ये किसान साथी इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर भी वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाने के लिए आज रवाना होते हुए देखिए गाड़ी के ऊपर इन्होंने किस प्रकार से देश का राष्ट्रध्वज तिरंगा लगाया हुआ और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व करता हुआ ये फ्लैग पूरी तैयारी के साथ दिल्ली कूच करने के लिए तैयार होता हुआ। सुनने में आ रहा कि वहाँ पर बहुत सी राहत सामग्री है, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ सहयोग राहत सामग्री ले जाते हुए हम बात करेंगे मास्टर कुलदीप जी। तो कुलदीप जी, क्या सामग्री आप वहाँ पर आंदोलन में सहयोग के लिए लेकर जा रहे हैं? वहाँ पर देखिए, मेरे गांव दणोदा से चाहे किसी प्रकार का आंदोलन रहा है, हर आंदोलन में तन मन और धन से इस गांव ने सहयोग किया है। और आज जो किसान आंदोलन लगातार हमारे किसान भाई, नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिलाएं वहाँ इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उनके लिए सर्दी के मौसम में जो कड़कड़ाती ठंड है उनकी रात ठीक ढंग से कटे, इसके लिए गांव से कुछ लकड़ियों का इंतजाम किया है और सब्जी के रूप में जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, नींबू है, गोभी है और बहुत सारे इस प्रकार के जो सब्जियां इसमें भरे हुए हैं, आटा है और कम से कम, ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, 500 लीटर के आसपास दूध और लस्सी 20 गांव के, पूरे गांव के सहयोग से आज इकट्ठी की गांव ने पूरा तन मन और धन से सहयोग किया और अब ये गाड़ी दिल्ली शंभू बॉर्डर की ओर रवाना होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं लकड़ियों की पूरी पिकअप गाड़ी भरी हुई और इसके अंदर आप, मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये सब्जी, गोभी, आलू और दूध के जो टैंक है वो इनके नीचे लगभग 1200 लीटर दूध पूरे गांव की तरफ से ले जाते हुए। और हम बात करेंगे हमारे साथी सतीश नैन जी। तो सतीश नैन जी, ये मोदी सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको आप आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या रणनीति लेकर चल रहे आगे के? मर्जी एक ही बात है, जिस तरह गांव ने जितना सहयोग कराया है ना, आगे भी ये नहीं है कि भाई पहली बार है, चलता गया है, आगे लगातार जितनी जरूरत पड़ेगी ना, बोले जमींदारों की एकता है मोदी, फीका पड़ गया तेरा सौदा रहे, जमींदारों की एकता है मोदी, फीका पड़ गया तेरा सौदा रहे, किसाना खाते राशन ले गए चैल पड़े दणोदर है, राशन ले गए चैल पड़े दणोदर है, जितना भी जो होगा हर दिन जितना बन सकेगा किसान भाइयों खातर, जो इतनी सर्दी में भी वहाँ अपने आंदोलन को लड़ रहे हैं ना, तन मन धन से सभी किसान, सभी वर्ग, चाहे मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, सारे एकजुटता है जितना भी होगा, क्योंकि हर आंदोलन कोई भी है भूखा तय और धन तय विफल होया करे, लेकिन ये पैसा पहला आंदोलन ऐसा होगा जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मीडिया के माध्यम से और सारा लोग जो भी देखने लग रहे नहीं, ये वास्तविकता है कि हर घर से हर वर्ग का लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, जिस पर भी जितना भी बन पड़ रहा है, चाह, चीनी, दूध, फल फ्रूट, सब्जी, जितना भी हो रहा है नहीं, हर आदमी अपना इसमें सहयोग दे रहा है और कई चीज़ की कमी नहीं आने दें किसान भाइयों ने। यह एक गांव का ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का सहयोग है उन किसानों के साथ है। और आदमी भी, जिस पर भी मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, जो भाई घर बैठे हैं, जितना भी हो इसका राशन पानी दें, जिसका भाई तो रहने इच्छा है, मैं जाना चाहूँ, हर आदमी किसी का किसी की बाट नहीं देखा, वह फलाना जाऊँगा जब मैं जाऊँगा, अपनी भागीदारी एक बार दिल्ली जाकर जरूर दिखाऊंगा। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, जैसा आपने बताया और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आपकी ये सामग्री और सहयोग, हम सबका ही आंदोलन है और हम मोदी को बता देना चाहते हैं, मोदी सरकार को, कि उन्हें ज़रूर हमारी मांगे ये तीनों काले कानून रद्द करने पर हम मजबूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी तो आज काटो भी अपनी है। वंदे मातरम किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।